मेरी मजदूरी रुकावट तो बहुत बार बनी है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ता गया। बहुत से लोगों ने मुझे दबाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता गया। मेरा नाम शहबाज बलोच है, मैं इब्राहिम हैदरी अली बर्शा गोट का रहायशी हूँ। मैं 9 महीने का था, मुझे पोलियो हुआ था। जब मैंने वोट संभाला तो मेरे वालदा ने कहा कि मैं आपको पढ़ाने यानी कि तालीम याफ्ता बनाना चाहता हूँ। मैंने खुद मैट्रिक तक पढ़ा और मैं तकरीबन 1 साल से स्कूल चला रहा हूँ। स्कूल खोलने का ख्याल इस तरह आया कि हमारे इलाके में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, स्कूल का फीस अदा नहीं कर सकते, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मंशियात के तरफ भी जा रहे थे। तो इसी तरह मैंने सोचा कि इनको इन चीज़ों से दूर किया जाए। तो बहुत कोशिश करने के बाद मैंने ये चटाई स्कूल का आगाज़ किया। स्कूल के हवाले से मैंने बहुत से लोगों से बात भी किया, तो कुछ लोगों ने मुझे यही जवाब दिया कि आप एक माजूर शख्स हो, आप ये नहीं कर सकते, हम आपका साथ नहीं देंगे, इससे बेहतर है आप घर पे बैठे रहो। पहले तो हमें इन चीज़ों का पता नहीं था, अब जब पता चला तो मुझे बहुत दुख होता है। अगर मेरी जगह किसी और ने ये काम किया होता तो आज यही बच्चे यहाँ पर मेरी जगह बात कर रहे होते हैं।